चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। त्रेता युग से आबाद भारतवर्ष के सबसे प्राचीन शहरों में एक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल में, कानपुर से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दिल्ली बुलंदशहर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा, इत्र नगरी के रूप में देश विदेश में अपनी पहचान रखने वाला शहर कन्नौज। राजधानी लखनऊ से 120 किलोमीटर पूर्व में बसे कन्नौज में कानपुर की ओर से पहुंचने पर आधुनिक कन्नौज के सराय मीरा से साक्षात्कार होता है। कन्नौज को फर्रुखाबाद से 1997 में विभाजित करके जनपद घोषित किया गया। वर्तमान में यहाँ सराय मीरा में ही जिला स्तर के समस्त अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला न्यायालय आदि स्थापित किए गए हैं। कन्नौज जनपद में पंजीकृत होने वाले वाहनों को UP-74 के रूप में पहचाना जाता है। सराय मीरा में ही कन्नौज डिपो का रोडवेज बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन कन्नौज स्थित है। कन्नौज से फर्रुखाबाद जंक्शन को कानपुर जंक्शन से जोड़ने वाला रेलमार्ग गुजरता है। सराय मीरा के उत्तर में सराय मीरा क्रॉसिंग के रूप में एक मुख्य चौराहा स्थित है, जहां उत्तर से दक्षिण की ओर ऊपरगामी सेतु गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम की ओर मकरंद नगर होकर छिबरामऊ, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली की ओर निकल जाता है। उत्तर में मुख्य कन्नौज शहर की ओर एवं दक्षिण में ऊपरगामी सेतु द्वारा दक्षिण पश्चिम की ओर तिरवा रोड के रूप में एक मुख्य सड़क तिरवा होकर औरैया अथवा इटावा की ओर प्रस्थान कर जाती है। इस मार्ग पर वर्तमान में नया कन्नौज विकसित हो रहा है। सराय मीरा क्रॉसिंग से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में मुख्य कन्नौज शहर में एक सुंदर प्रवेश द्वारा प्रवेश किया जाता है। इस मार्ग को गांधी रोड के रूप में पहचाना जाता है। शहर में प्रवेश करते ही कोतवाली कन्नौज का प्रशासनिक भवन दिखाई पड़ता है। कन्नौज का वर्णन रामायण से लेकर महाभारत इत्यादि में भी किया गया है। प्राचीन काल में इसका नाम कन्याकुब्ज था, जो कालांतर में बदलकर कन्नौज हो गया। भारतीय इतिहास में राजा हर्ष समेत अनेकों हिंदू साम्राज्यों की राजधानी कन्नौज में संचालित हुई और अनेकों बार ही विदेशों से हुए आक्रमणों को इस ऐतिहासिक नगरी ने झेला। गांधी मार्ग से शहर में प्रवेश करते हुए सुंदर एवं कलात्मक भवनों का अवलोकन करते हुए एक महत्वपूर्ण स्थान ग्वाल मैदान आता है, जहां ऐतिहासिक कान्हा उत्तर की ओर बढ़ते हुए परिसर स्थित गांधी रोड पश्चिम की ओर मुड़कर शहर के अनेकों ऐतिहासिक इमारतों का अवलोकन कराते हुए बड़ा चौराहा आदि से होते हुए बड़ा बाजार में प्रवेश कर जाता है, जहां कन्नौज का नगर पालिका परिषद कार्यालय स्थापित है। बड़ा बाजार में अनगिनत सेंट एवं इत्र के उच्च स्तरीय व्यापारिक शोरूम स्थापित है। कन्नौज में बना सेंट देश विदेश में निर्यात किया जाता है। वर्तमान में कन्नौज के शहरी क्षेत्र में 1,20,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह कानपुर मंडल में कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया के बाद 5वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। बड़ा बाजार में अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठानों से गुजरते हुए कन्नौज शहर का केंद्र बिंदु वारसी तिराहा नजर आता है। यह तिराहा व्यापारिक दृष्टि से भी कन्नौज का केंद्र बिंदु है। यहाँ से पश्चिम की ओर अजयपाल रोड शहर के हाजीगंज, सफदरगंज, पथकाना, छपैती इत्यादि क्षेत्रों से जोड़ता है। वारसी तिराहा के निकट से ही पूर्व की ओर एक सड़क सब्जी मंडी रोड के रूप में प्रारंभ होती है, जो सर्राफा बाजार तिराहा, मिठाई गली इत्यादि से होते हुए फर्श रोड के रूप में शहर के उत्तर पूर्वी छोर पर गौरी शंकर मंदिर से जोड़ती है। यह मंदिर कन्नौज शहर में आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु है। वारसी तिराहा से एक बेहद मुख्य सड़क दक्षिण की ओर सिनेमा रोड के रूप में प्रारंभ होती है। इस मार्ग पर भी शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। 1803 में अंग्रेजों द्वारा जिला प्रणाली लागू किए जाने पर कन्नौज को तहसील घोषित करके फर्रुखाबाद जनपद में सम्मिलित कर दिया गया था। लगभग 194वां वर्षों तक फर्रुखाबाद जनपद की एक तहसील के रूप में पहचाना जाने वाला कन्नौज 1997 में छिबरामऊ एवं कन्नौज तहसीलों को जोड़कर जनपद घोषित कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ 3 तहसीलें कन्नौज, छिबरामऊ एवं तिरवा संचालित हैं। सिनेमा रोड दक्षिण की ओर बढ़ते हुए फूलमती मंदिर एवं SBS इंटर कॉलेज के निकट से गुजरते हुए मकरंद नगर रोड के रूप में पहचाना जाता है।
इस मार्ग पर भी तेजी से अनेकों व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स विकसित हो रहे हैं। इसी मार्ग पर नारायण सिनेमाघर का परिसर स्थित है। पूर्व समय में कन्नौज में 3 सिनेमाघर संचालित होते थे, जिनमें वर्तमान में नारायण सिनेप्लेक्स ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। मकरंद नगर मार्ग दक्षिण की ओर गोमती देवी बालिका इंटर कॉलेज के परिसर से होते हुए मकरंद नगर चौराहा पर दिल्ली मार्ग से जुड़ जाता है। कन्नौज शहर के लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में गंगा नदी की अविरल जलधारा बहती है, जहां कन्नौज हरदोई राजमार्ग पर मेहंदीपुर गंगा घाट स्थित है। कन्नौज जैसे ऐतिहासिक एवं परम पूजनीय शहर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक सपने के पूरा होने जैसा था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कन्नौज पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो कन्नौज शहर एवं आपके हृदय से परस्पर जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।